हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे, हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। तो आज की जो रीडिंग करने जा रही हूँ वो एक पिकर कार्ड रीडिंग होगी, जिसमें हम चेक करेंगे कि आपके पर्सन आखिर आपको कब अनब्लॉक करेंगे और ये आखिर ब्लॉक अनब्लॉक क्यों कर रहे हैं, कारण क्या है। लड़का लड़की कोई भी हो सकता है, पर्सन पर्सन ही कोई भी हो सकती है। सो रीडिंग शुरू करेंगे, पर ध्यान रखिएगा जनरल रीडिंग है, जरूरी नहीं कि सब पे रिजोनेट कर जाए, पर मोस्ट ऑफ द टाइम यू नो इट कर जाती है, ठीक है। सो मैंने यहाँ पर पिक अ कार्ड में पाइल्स रखी है और पाइल्स मैंने गलती से उल्टी पुल्टी रखी है और अब मैंने उसे सीधा कर दिया है। और पाइल्स आपके पर्सन के नाम के अनुसार होगा, आपके पर्सन का नाम जो भी होगा उसके अनुसार मैंने पाइल्स रखी है। पाइल नंबर वन में है उनके नाम का पहला अक्षर, ठीक है। पाइल नंबर वन हो या टू, नाम के पहला अक्षर आपको देखना है, ओके। पाइल नंबर वन में है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी ओ सॉरी ओ तक है। पी से स्टार्ट होता है दूसरा वाला पाइल, पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। आपके पर्सन का यानी कि आपके पार्टनर का नाम जो भी है, सुनीता है, रेशमा है, फॉर एन एग्जाम्पल रेशमा है तो आर चुनेंगे, सुनीता है तो एस चुनेंगे, मतलब पाइल उस हिसाब से आपको चुनना है। आपके पार्टनर के नाम के अनुसार, आपके नाम के अनुसार नहीं। अब ये सवाल मत कर देना दीदी, पेट नेम से सोचें कि मून साइन के नेम के हिसाब से सोचें या सन साइन के नेम के हिसाब से सोचें, तो ये मत करना प्लीज़। जो भी लेवल पे आपको आपके पर्सन का नाम समझ में आता है उस हिसाब से चुनाव कर सकते हैं। कन्फ्यूजन होगी तो आप क्रिस्टल के हिसाब से भी चुन सकते हैं। ये पाइल नंबर वन इंडिगो कलर का क्रिस्टल है, पाइल नंबर टू ट्रांसपेरेंट वाला क्रिस्टल है, ठीक है। दोनों में से का चुनाव भी कर सकते हो आंखें बंद करके, चॉइस आपकी है यहाँ पर, ठीक है। सो रीडिंग शुरू करूंगी और इसमें हम फीलिंग्स भी देखेंगे, ब्लॉक अनब्लॉक क्यों कर रहे हैं ये भी देखेंगे, ओवरऑल एनर्जीज को चेक करेंगे, ठीक है। कब तक अनब्लॉक करेंगे ये भी चेक करेंगे हम, ठीक है। सो ये स्पेशली नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए है और अब शुरू करते हैं आप लोगों की रीडिंग। सबसे पहले मैं पाइल नंबर वन वालों की रीडिंग शुरू करूंगी, जिन्होंने चुना है ये ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ, ठीक है। इनके पार्टनर का नाम, अगर आपके पार्टनर का नाम इन्हीं अक्षरों से शुरू होता है तो चलिए आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। यूनिवर्स मुझे गाइड करे, मेरे जो व्यूवर्स ये रीडिंग देख रहे हैं उनके पर्सन आखिर उनको ब्लॉक अनब्लॉक क्यों कर रहे हैं, प्रॉब्लम क्या है उनकी, दुविधा क्या है उनकी। लड़का लड़की कोई भी हो सकते हैं, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, आपको जेंडर्स पे नहीं एनर्जीज पे फोकस करना है, ओके। आपके पार्टनर जो भी है आपको आइडिया है उस हिसाब से इस रीडिंग को लें, ठीक है। मैं जनरल लेवल पे रीड करूंगी। रीडिंग सब टाइमलेस होंगी अब से, और इसे प्री रिकॉर्ड इसलिए कर रही हूँ क्योंकि थोड़ा दिन अब ब्रेक चाहती हूँ, इसलिए पहले से रिकॉर्ड कर रही हूँ। और डोंट वरी, टाइमलेस है, आप जब भी देखेंगे ये आपसे लगभग कनेक्ट हो ही जाएगी, ठीक है। थोड़ा दिन रेस्ट बनता है ना, इंसान हूँ, थोड़ा आराम चाहिए अब मुझे भी, ओके। सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, स्ट्रेंथ, एस ऑफ वॉन्स, टेन ऑफ वॉन्स, ओहो, फाइव ऑफ कप्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, द चैरियट, फाइव ऑफ पेंटिकल्स एंड द टावर, ओहो। तो मुझे दिखाई दे रहा है जिनसे आप डील कर रहे हैं वो एयर साइन हो सकते हैं, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी हो सकते हैं, एंड काफ़ी हद तक मुझे दिखाई दे रहा है ये लियो, एरिस, सैजिटेरियस भी हो सकते हैं, एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी दिखाई दे रहे हैं मुझे, ठीक है। इनमें से कोई भी साइन आपकी या आपके पर्सन की हो सकती है, ठीक है। सो काफ़ी हद तक मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन ने आपसे किसी तरीके का ऐसा झूठ बोला है जिसे वो छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। एक सेकेंड में फैन थोड़ा कम कर दूँ क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही है उसकी, एक सेकेंड। काफ़ी हद तक मुझे दिखाई दे रहा है उन्होंने कोई ऐसा झूठ या कोई ऐसा मैनिपुलेशन किया है जिसमें आपको चीज़ें समझ में नहीं आ रही, जिसके कारण वो आपसे चोरों की तरह छुपते फिर रहे हैं। ब्लॉक अनब्लॉक का कारण ये भी है कि मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर जो भी हैं वो आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आप उनके हिसाब से बातें मान जाए। यूनिवर्स सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करें, इन्होंने पक्का कुछ आपसे छुपाया है, फॉर श्योर, या आपसे कुछ हाइड कर रहे हैं या कुछ ऐसी बात है जो झूठ बोल रहे हैं जो ये नहीं चाहते कि आपको पता चले, जिसके कारण ये आपको कभी ब्लॉक अनब्लॉक करते हैं। इनको बहुत ज़्यादा इस तरह चीज़ें चाहिए कि आप इनसे ज़्यादा सवाल जवाब ना कर सकें। जब जब आप उनको लगने लगता है कि आप इनसे सवाल करेंगे या आप इन पे डाउट करेंगे या बोलते ना कि कोई कन्फ्यूजन क्रिएट कर देंगे, कॉम्प्लिकेशन, तो फटक से ही आपको ब्लॉक करके साइडलाइन हो जाते हैं। काफ़ी हद तक मुझे दिखाई दे रहा है जिससे आप डील कर रहे हैं ये एक मैनिपुलेटिव पर्सनैलिटी हो सकते हैं, थोड़ा आपको
आपके ऊपर पावरफुल रूल करने की कोशिश है, क्योंकि काफ़ी हद तक स्टन का कार्ड यही क्लैरिफाई कर रहा है कि ये आपके ऊपर हावी आने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। इनका ये एक्चुअली दिमाग है कि ये चाहते हैं कि आप इनकी बातें और इनकी शर्तें मान जाएं, पर आप तो आप आसानी से काम मानने वाले, काफ़ी हद तक आप भी बोलते हैं ना, वो आप अच्छे से जानते हैं कि आपके पर्सन टेढ़े हैं पर मेरे हैं, वो काफ़ी हद तक आप इस कोड को मानते भी हैं, एंड इसीलिए आप उनको झुकाने के लिए मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ मतलब दिखाई दे रही है कि आप कोशिशें कर रहे हैं। ठीक है, इसे क्या हो गया, ओके सो काफ़ी हद तक मुझे दिखाई दे रहा है कि ईश्वर आपकी मदद करने की पूरी कोशिश कर रहा है। आपने शायद किसी बात को लेकर बोलते ना डट के स्टैंड लिया है कि बस मुझे मेरे हिसाब से ये चीज़ चाहिए, मतलब चाहिए, जिसके कारण आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज्ड और मैनिपुलेट कर रहे हैं, बट ये टेम्प्ररी एनर्जीज है, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। एसोफोन्स की एनर्जी को क्लारीफाई करें, ये आपके साथ फ्रेश स्टार्ट बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा है कि चाहते हैं, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटीज़, ये आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और ये आपके साथ फ्रेश स्टार्ट ज़रूर चाहते हैं और वापस बिगनिंग करेंगे भी। काफ़ी स्ट्रांगली मुझे इनके कार्ड्स में एक्शन दिखाई दे रहा है, बिगनिंग भी करेंगे और कहीं ना कहीं आपके साथ रेलगाड़ी जो है आगे भी बढ़ेगी, बट कहीं ना कहीं मुझे दिखाई दे रहा है कि इस वक्त ये आपको बहुत ज़्यादा गोल गोल घुमा रहे हैं, इसीलिए परेशान होने की कोई भी नीड नहीं है। ये आपको सिर्फ कुछ समय के लिए इस तरह परेशान करेंगे और उसके बाद इनको वापस वो दिन लौट के बुद्धू घर को आए, घर को ही आना है। ठीक है, सो श्रद्ध का कार्ड क्लारीफाई करें, ये दिमाग से बहुत पावरफुल है, मुझे ऐसा लग रहा है कि इनको बहुत अच्छे से पता है कि आपकी वीकनेस क्या है और काफ़ी स्ट्रांगली अच्छे से जानते हैं कि उनकी आपकी वीकनेस जो है वो खुद वो है, मतलब आपके पार्टनर हैं, इसलिए वो आपके साथ इस तरह से बर्ताव कर रहे हैं। काफ़ी हद तक मुझे दिखाई दे रहा है कि इससे पहले इन्होंने आपको बहुत सारी चीज़ें समझाने की कोशिश की पर वो काफ़ी हद तक सही से समझा नहीं पाए, उल्टा मिसअंडरस्टैंडिंग और कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट ही हो गई, प्रॉब्लम्स बढ़ती चली गई, जिसके कारण उन्होंने ये पैतरा आजमाया है। हालांकि मुझे हैप्पी वो बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहे, अनहैप्पी दिखाई दे रहे, बहुत ज़्यादा उदास कह सकते हैं। इनके अंदर बहुत ज़्यादा ऐसा है कि इनको लोनली फील होने लगा है, बहुत ज़्यादा अकेला अकेला लग रहा है, पर करें क्या, अगर ये आपसे बात करेंगे तो इनको बहुत अच्छे से पता है कि आप बातें मानेंगे नहीं, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। अपनी शर्तें मनवाने के लिए मुझे काफ़ी हद तक ऐसा दिखाई दे रहा है कि जानबूझ के इन्होंने स्पेस ले रखी है, ये आपके मूड ठीक होने का या मूड बदलने का वेट कर रहे हैं। जब आप इनसे क्लारिफिकेशन ना मांगे और या कोई चीज़ एक्सपेक्ट ना करें उस दौरान ये आपके पास आने के बारे में सोच रहे हैं। टेन ऑफ वॉन्स की एनर्जी को क्लारिफाई करें, ओके मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन आपके साथ बेटरमेंट चाहते हैं, आपके साथ आगे अच्छे तरीके से बढ़ना चाहते हैं ऑन पॉजिटिव नोट्स, यानी कि आपके साथ मुस्कुराना चाहते हैं, हैप्पी मोमेंट्स शेयर करना चाहते हैं, क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। बट इससे पहले क्या हो रहा था कि आप दोनों में क्लैशेस बहुत बढ़ते चले जा रहे थे, मनमुटाव बढ़ रहा था, प्रॉब्लम्स बढ़ रही थी, किसी भी कारणवश से आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा चीज़ें उलट पुलट हो रही थी जो इनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, जिसके कारण इस पर्सन ने आपसे दूरी बनाई है। क्योंकि इन्होंने मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करके देखा या बहुत सारी तू तड़ाक करके देख ली, बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि एट दी एंड अब इन्होंने ये पैतरा इसलिए आजमाया क्योंकि इनको किसी ने गाइड किया है, क्योंकि मुझे किसी की गाइडेंस भी दिखाई दे रही है काफ़ी स्ट्रांगली। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ऐसा नहीं है कि आपके पार्टनर के पास प्रपोजल्स नहीं है या ऑप्शंस नहीं है एट द मोमेंट, ऑप्शंस ज़रूर है, येस मुझे कोई ऐसा दिखाई दे रहा है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है या कोई ऐसा पर्सन इन्वॉल्व है आप दोनों के बीच में जो इनको बहुत ज़्यादा भड़का रहा है, कान वगैरह भर रहा है, जिसके कारण इश्यूज़ बहुत ज़्यादा क्रिएट हो रहे हैं। बट अगर आपको ये लग रहा है कि ये इनको उनको बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, बिकॉज ये अभी तक अपने पास से बाहर नहीं निकले हैं, इनके पास्ट में यानी कि इनके पास्ट में आप हो और काफ़ी हद तक मुझे दिखाई दे रहा है ये पास्ट को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, तड़प रहे हैं या तरस रहे कह सकते हैं। काफ़ी हद तक अपने फ्यूचर पर ये फोकस नहीं कर पा रहे या किसी ऑप्शन पर फोकस नहीं कर पा रहे, हालांकि ये काफ़ी हद तक मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि थर्ड पर्सन कोई भी जो आप दोनों के बीच में आया वो बहुत ट्राई कर रहे हैं कि ये जो है पट जाएं, इनके हिसाब से चलें और काफ़ी हिसाब से मतलब बोलते हैं ना वो दोनों अपने हिसाब से मज़े करें, इन्जॉय करें या कोई ना कोई उनकी बात मान लें, बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन बिल्कुल खुश नहीं है उनके साथ, अनहैप्पी हैं, बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ कर करके इरिटेट हो चुके हैं, लोनली फील करने लगे हैं, एंड काफ़ी तक मुझे दिखाई दे रहा है कि उनको ये रियलाइजेशन अच्छे से आ चुकी है, जहाँ पे इनको समझ में आ गया कि ये आपके बिना नहीं रह सकते, आप इनकी ज़िंदगी का या आप इनकी बॉडी का एक पार्ट बन चुके हो जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी वाला हिस्सा बन चुके हैं, जिसके बिना जीना मुश्किल है इनके लिए। काफ़ी हद तक इनको आपसे दूर रहना बिल्कुल गवारा नहीं है, पर इनके पास चॉइस नहीं है इस वक्त, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। इन आपके दोनों के बीच में मुझे एकमात्र ऑब्स्टेकल ये दिखाई दे रही है कि ये कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, जानबूझ के कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं, जानबूझ के आपसे दूरी बनाई हुई है।
यस, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जानते बूझते सब चीज़ें कर रहे हैं और उल्टा ब्लेम गेम भी खेल रहे हैं, विक्टिम कार्ड प्ले करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी कि गलती उनकी, लेकिन गलती पूरी आप पर है। और ये बात अच्छे से वो जानते हैं कि गलती उनकी है, बट फिर भी वो आप पे डालने से बाज नहीं आते। ब्लेम गेम कर रहे हैं, विक्टिम कार्ड प्ले कर रहे हैं। जितना आपसे प्यार करते हैं उतने ही पैतरेबाजियाँ यूज़ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। खेल रहे हैं आपके साथ, खेली हैं किसी तरीके की, खेली हैं ये। स्मार्ट बॉय, स्मार्ट गर्ल भी हो सकती है, वुमेन भी हो सकती है। एनीवेज, जो भी है, मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ करने पे तुले हुए हैं। बहुत ज़्यादा इनका ऐसा है कि ये अपनी बातें अपने हिसाब से चलाने के लिए आपको ब्लॉक अनब्लॉक इनको आपसे बात करनी है, बट देखते हैं कि आप फिर वही उसी जोन में हो, अभी तक वही जोन में चल रहे हो, तो फिर से ब्लॉक कर देते हैं। फिर कभी कभी उनको इनसिक्योरिटी होती लगती है, फिर अनब्लॉक कर देते हैं। फिर वापस उनको ऐसा लगता है कि नहीं, आप तो बहुत ज़्यादा पारे पे चढ़ रहे हो, आप तो सातवें आसमान में चढ़ने लगे हो, अब तो आप बिल्कुल उनको भाव नहीं दे रहे हो, तो फिर आपको ब्लॉक कर लेते हैं। ब्लॉक अनब्लॉक इसी कारण इनका चल रहा है। ये रेस्टलेस हो चुके हैं और काफ़ी हद तक ये अपनी चीज़ें मनवाना चाहते हैं, इसलिए ब्लॉक एंड ब्लॉक खेल रहे हैं आपके साथ। खेली हैं, खेल रहे हैं आपके साथ। ये चैरियट का कार्ड, सेल्फिश हो गए हैं इस वक्त। ये इस वक्त सिर्फ अपने बारे में पहले सोच रहे हैं, इनको क्या चाहिए वो इंपॉर्टेंट है। बहुत ज़्यादा मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है पजेसिव है आपको लेकर, बहुत ज़्यादा इनसिक्योर है और कई हद तक चाहते हैं दिल से कि इनकी इच्छा पूरी हो जाए, ये जो चाहते हैं आप वो मान जाए। बट आप तो आप हैं, सबके बाप हैं, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है आपके पर्सन आपको स्टॉक कर रहे हैं। अगर आपको लग रहा है कि इन्होंने आपको ब्लॉक किया है और ये आपको बिल्कुल भाव नहीं दे रहे, तो ये गलत बात है। ये आपको बहुत ज़्यादा भाव दे रहे हैं, ये आपको स्टॉक कर रहे हैं। फेक आईडीज, फेक कुछ ना कुछ फेक अकाउंट्स बनाकर ये आपको ब्लॉक फॉलो कर रहे हैं, मतलब सॉरी स्टॉक कर रहे हैं। काफ़ी हद तक मुझे लग रहा है कि ये निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, इन्होंने पीस ऑफ माइंड यानी कि नो कॉन्टैक्ट मेंटेन किया हुआ है आपके साथ। कभी कभी अचानक इनका मन करता है कि बात करें, बट जैसे ये बात करने के बारे में सोचते हैं फिर इनको ध्यान आ जाता है कि यार फिर पिछली बात करेगी, या कहीं हद तक इनको ये लगने लगता है कि अब आप चेंज हो गए हो, अब वैसे नहीं रहे, जिसके कारण ये दोबारा आपको ब्लॉक करके गायब हो जाते हैं। द टावर का कार्ड क्लैरिफाई करें। आप दोनों में मन मुटाव तो मुझे लग रहा है और थोड़ा चलने वाला है आगे। द टावर का कार्ड क्लैरिफाई करें, यानी कि कई हद तक ये जानबूझ के बहुत ज़्यादा पेशेंस रख के बैठे हैं, जानबूझ के अपने ऊपर सेल्फ कंट्रोल अच्छा खासा कर रखा है इन्होंने। यस, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आपको बहुत ज़्यादा झुकाने पे तुले हुए हैं, बट काफ़ी हद तक आप जो है नहीं झुकने को तैयार हैं, आप अपने हिसाब से ही चीज़ें मनवा कर दम लेंगे। अब देखते हैं ये कब आपको अनब्लॉक करेंगे। यूनिवर्स मुझे बताएं कब अनब्लॉक करेंगे, इनके इरादे क्या हैं, कब अनब्लॉक करेंगे। ये आपके साथ कुछ लीगल मैटर भी करते हुए, ये पता नहीं कुछ लीगली मुझे ये कोई पेपर वेपर पे भी काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है कोई पेपर वर्क वगैरह चाहते हैं, या डॉक्यूमेंटेशन, या किसी तरीके की क्लैरिटी चाहते हैं आपसे, कोई कन्फर्मेशन चाहते हैं कि आप ऐसा नहीं बोलोगे, वैसा नहीं करोगे, या इनके हिसाब से चलोगे, या कॉम्प्रोमाइज़ कर लोगे। ओके, यूनिवर्स कब करेंगे अनब्लॉक। डेथ का कार्ड काफ़ी हद तक एक नया ट्रांसफॉर्मेशन बताता है, या तो ये पर्सन बदलेगा, या आप बहुत चेंज हो जाएंगे, या कई हद तक आप दोनों की फीलिंग्स डिफरेंट हो जाएंगी इस रिश्ते में। बहुत ज़्यादा फीलिंग्स ये होते हैं ना कि आप बहुत डीपर लेवल पे फील कर रहे हो और ये वो लेवल पे नहीं सोच रहे, पर उल्टा हो जाएगा कहीं ना कहीं। इसके बाद ये आपके लिए सीरियस हो जाएंगे और आप वो लेवल पे नहीं सोचेंगे। ये वाली रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेक्टेड है। कब अनब्लॉक करेंगे आखिर ये नवाब साहब और नवाब साहिबी कब अनब्लॉक करेंगे मेरे व्यूवर्स को, जो उन्होंने पाइल नंबर 1 चुना है। देखो, अनब्लॉक तो पक्का करेंगे, फॉर श्योर मुझे दिखाई दे रहा है अनब्लॉक करेंगे, और ये काफ़ी स्ट्रांगली मुझे दिखाई दे रहा है। 7 वीक्स या 7 डेज़ के अंदर आपको अनब्लॉक कर देंगे, 7 वीक्स या 7 डेज़ के अंदर। ओके, अब पहले ऐसे में मेरे को कमेंट मत करना दीदी, ये तो इतने सालों से बात नहीं कर रहे हैं, अब क्या बात करेंगे, अब क्या अनब्लॉक करेंगे। तो बस आपके मन में नेगेटिव हो चुका है थॉट, आप ऑलरेडी फेयर लेकर बैठे हुए, तो फिर मैं क्या कर सकती हूँ, फिर तो नहीं करेंगे अनब्लॉक, पॉसिबल ही नहीं है। और अगर विश्वास है तो डेफिनेटली अनब्लॉक होंगे, क्योंकि 7 डेज़ 7 वीक्स के अंदर मुझे दिखाई दे रहा है कि ये आपको अनब्लॉक करेंगे। बट ध्यान रखना, जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं कि सब पे रिजोनेट कर जाए, मोस्ट ऑफ द टाइम कर ज़रूर जाती है। ठीक है, अब मैं साई बाबा के डेक से कुछ कार्ड निकाल लेती हूँ। यूनिवर्स, साई बाबा मुझे बताएं क्या मैसेज देना चाहेंगे आप मेरे व्यूवर्स को।
इनको पता नहीं कि इनका पाला किससे पड़ा है। सच बताऊं मुझे ऐसा लग रहा है बहुत ही बेहतरीन चल रहा है यहाँ पर ना, ये आपको घुमा रहे हैं पर आप बहुत अच्छे से इनको समझ चुके हो, जिसके कारण ना आप भी कम नहीं, आप भी इनको दूर खड़े देख के मुस्कुराते हुए दिख रहे हो, मुझे बहुत ज़्यादा दूर खड़े देख के स्माइल कर रहे हो कि अच्छा बेटा खेल ले, तू भी देखो जो खेलना है खेल, मेरे को पता है तू क्या करने वाला है या क्या करने वाली है, मुझे तेरी अच्छे से पैतरेबाजियाँ समझ में आ चुकी है। तो काफ़ी हद तक आप ऐसे मुझे दिखाई दे रहा है कि वो वाले जोन में हो, तो इसलिए आपको ज़्यादा स्ट्रेस लेने की नीड नहीं है। एक कार्ड जो है साई बाबा की तरफ से मैसेज देता है कि ईश्वर हमारे माता पिता हैं, यानी कि अगर आप रोने धोने वाली एनर्जी में अभी तक हो तो मैं आपको बता दूं कि ईश्वर आपसे कहने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई हम तुम्हारे माता पिता हैं, हम तुम्हें कड़वी दवाई ज़रूर दे रहे हैं ताकि तुम्हारा जीवन जो है सुधर जाए, तुम्हारी ज़िंदगी में तुम्हारी बीमारी ठीक ना हो, तुम्हारी जीवन भी ठीक हो जाए, ठीक है। तो ये जो कड़वी दवाई है ना इसको हंसते हंसते पीना सीखो, और उसके इससे लाइफ में कैसे बोलते ना अपनी स्ट्रेंथ बनाना है, खुद को कैसे स्ट्रांग बनाना है, ये इसमें मतलब डट के कैसे खड़े रहना है मुसीबतों में, ये इंपॉर्टेंट है, इसको सीखो, ठीक है। रोने वाले हज़ार हैं यहाँ पर, पता है हज़ार लोग रोते हुए दिखेंगे कि मेरी ज़िंदगी में ये हो गया वो हो गया, कंप्लेंट करने वाले बहुत हैं। इंसान वो व्यक्ति वो जो अपने मुसीबत को देख के रोए नहीं, उल्टा डट के खड़े हो जाए कि अच्छा चलो भिड़ लेंगे, अब तो दिखा देंगे हम क्या चीज़ है, अच्छा मेरे साथ बोलते ना क्या, मेरे साथ कौन सा एक वर्ड मेरे को याद नहीं आ रहा है, मेरे साथ शानपट्टी, अच्छा मेरे साथ शानपट्टी, तो अभी बताती हूँ तुझे, ठीक है। तो ये वाले एटीट्यूड में रहना चाहिए हमेशा, फिर देखो लाइफ में कैसे विक्ट्री नहीं मिलती। दूसरा कार्ड, तीन मंत्र, अच्छी सोच रखो, अच्छे शब्दों का उपयोग करो और अच्छे कार्य करो। ध्यान रखो ये इजी नहीं है सबके लिए, लेकिन अच्छी सोच, पॉजिटिव सोच, अच्छे मतलब बोलते ना ये गांधी जी के बंदर जैसा है, बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो। तो ये जो हैबिट हो गई ना चच्ची नानी के जैसे, जो गॉसिप करते रहते हो, हे भगवान उसका ये होगा, इसको ये हो, इसके साथ ये हो, उसके साथ बुरा हो, ये सब बोलना तो सबसे पहले बंद करो। किसी को भी कुछ भी बोलने से ना अच्छा नहीं, उल्टा अपने ही कर्म खराब हो जाते हैं। तो कभी भी किसी के लिए उल्टी सीधी बातें मत करो गलती से भी, ओके। आपको ऐसा लग रहा है कि आप सामने वाले को कुछ बोलकर मतलब भगवान तक पहुंचा रहे हो, नहीं नहीं भगवान उसको वो बोलते हैं कि बोलते हैं ना सेम टू यू कर देते हैं या डिट्टो कर देते हैं, जाओ तुम्हारी लाइफ में भी हो जाएगा ऐसा, ठीक है। तो कभी भी किसी के दुख को सोचकर खुश नहीं होना चाहिए, याद रखना हमेशा ये बात, अच्छे इंसान की एक अच्छे सोल की निशानी है ये। कभी भी किसी का बुरा नहीं बोलना चाहिए, ना बुरा सोचना चाहिए। जैसे गंदे गंदे कमेंट, नेगेटिव कमेंट्स जो लोग करते हैं ना, स्पेशली जो नेगेटिव कमेंट्स करते हैं, गंदे कमेंट कौन, जो नेगेटिव कमेंट करते हैं, मैं उनकी बात कर रही हूँ, नहीं बोलना चाहिए, वो कमेंट्स नहीं करने चाहिए, मत करो। अगर देखो वीडियो पसंद नहीं आ रही, वीडियो स्विच कर दो, बिना वजह उल्टे सीधे कमेंट करके क्या फ़ायदा। अच्छे अच्छे कमेंट कर रहे हैं, थैंक यू वगैरह, ठीक है, उसके लिए मैं सपोर्ट के लिए दिल से खुश हूँ कि थैंक यू सो मच, इतना सपोर्ट और इतना प्यार, लेकिन एक लिमिट होती है, मतलब नहीं पसंद ठीक है, अब बता सकते हो कि दीदी ये पसंद नहीं है, लेकिन बदतमीज़ी क्यों करते हो समझ में नहीं आता। मैं सबके लिए नहीं बोल रही हूँ, मैं उन लोगों के लिए बोल रही हूँ जो बहुत उल्टे सीधे कमेंट्स करते हैं, उन लोगों के मैंने कमेंट्स पढ़े रहते हैं, पता नहीं क्या ही मिल जाता है, भगवान जाने इनको। चलो अब कुछ मैसेजेस देख लेते हैं, क्या कर सकती हूँ मैं, जो भी है भगवान के ऊपर है, जो होगा अपने अपने कर्म है। तो ये कुछ मैसेजेस निकाले हमने आपके लिए, ओके ओके, माइंड मत करना, मैंने आप सभी को ये कमेंट के लिए बात नहीं की, ये गंदे कमेंट और नेगेटिव कमेंट उन्हीं के लिए बोला जो बहुत बदतमीजी कर रहे हैं। अगर कुछ लोग ऐसी बदतमीजियां कर रहे हैं, मैं उनको बोल रही हूँ क्यों अपना मुंह ख़राब कर रहे हो, क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, वीडियो नहीं पसंद दूसरी वीडियो देखो यार, सिंपल सी बात है, दूसरे चैनल पर देखो, मतलब ऐसा नहीं मेरे चैनल पर देखो, दूसरे चैनल पर देखो, कोई बात नहीं, मन साफ रखो यार, किसी के प्रति इतनी ये नेगेटिव क्यों निकालते हैं, मतलब ठीक है, समझ भी नहीं आता मुझे ऐसे लोगों का। सो पहला मैसेज आपके पर्सन का, आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, एनर्जीज एकदम सातवें आसमान में, मेडिटेशन एकदम पावरफुल हुआ है। सो मेंटेन साइलेंस एंड पीस इन बिटवीन यू बो, तो आप दोनों के बीच में एक साइलेंस और एक शांति का समय व्यक्त करें, यानी कि यहाँ पर ज़रूरी नहीं कि आपको दिखाना है कि कुछ ऐसे ही जानबूझ के आप भी रिएक्ट करो कि अच्छा तू मेरे साथ खेल रहा है, रुक अब मैं तेरे को बता दूँ, लाइक आप कुछ मैसेज करना शुरू कर दो या आप पोक करो, कुछ भी पोक करने की ज़रूरत नहीं, शांति बनाए रखो दोनों एक दूसरे के बीच में, ठीक है। आपको स्पेशली पीस मेंटेन करना है, साइलेंस मेंटेन करना है सिचुएशन में। पता चला 50 मैसेजेस डाल दिए, अच्छा मुझे पता चल गया वो टैरो दीदी की तरफ से, मैंने देखा मुझे पता चल गया तू जो है मेरे साथ खेल रहा है, ये तो पता चला बेड़ा गर्क सब सत्यानाश। तो एक और मैसेज, ऑब्स्टेकल विल गेट रिमूव्ड, तो अगर आपको ये लगता है कि आपके रास्ते में ऐसे ही कांटे बिछे रहेंगे और कोई साफ नहीं करेगा, तो ईश्वर बैठा है, वो झाड़ू लेकर खड़े हो चुके हैं, वो सफाई जानते हैं कैसे करना है, थोड़ी मदद आपको भी करनी पड़ेगी। कैसे वापस लौटूं भाई, जैसे गए थे वैसे ही वापस लौटोगे। ये क्योंकि सास भी कभी बहू के मीर वीरानी बहुत पहले मैंने देखा था, बहुत पहले की बात है,
मीर वीरानी बन चुके हैं, वो जो ना प्लास्टिक सर्जरी करके आते हैं और रोना धोना शुरू, हो तुम आ गए मतलब पहचानने से इनकार, ये उस तरीके का सवाल लगता है मुझे कि कैसे वापस लौटूं भाई, जिस मुंह से गए थे वैसे ही वापस लौटना है तुम्हें। प्रॉब्लम क्रिएट करते वक्त, ब्लॉक करते वक्त एक मिनट भी नहीं सोचते कि अरे हम ब्लॉक कर रहे हैं, किसी को डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, ये हर्ट हो रहा होगा इनको, नहीं उस टाइम कर लेते हैं और बाद में सोच रहे हैं अब कैसे वापस लौटूं। इनका क्या हो सकता है, कुछ नहीं हो सकता। ऐ जिंदगी गले लगा ले, हमने भी तेरे हर एक गम को गले से लगाया है ना। ऐ जिंदगी, यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए सॉन्ग, बहुत ही ब्यूटीफुल सा। अगर अभी तक रोने वाली एनर्जी में हो तो उधर से निकलने के लिए ये सॉन्ग ज़रूर बनता है आपको सुनने के लिए, ये आपको लाइफ से प्यार करना सिखाता है। ओके, न्यू बिगनिंग एक्सपेक्टेड, तो यस एक लाइफ में न्यू बिगनिंग ज़रूर होगी इस लाइफ में आपकी। अगर आप इस बात से परेशान है तो मेरा भगवान क्या करेगा क्या होगा, ये चीज़ों का एंजाइटी लेकर बैठे हो तो एंजाइटी लेना बंद करो, क्योंकि आपकी लाइफ में जो होगा बेस्ट होगा, हमेशा ईश्वर पर भरोसा रखो। आई नो आई एम बैड, तो यस हमें पता है, ये आपके पर्सन बोल रहे हैं कि मुझे पता है मैं बहुत बुरा इंसान हूँ या बुरी इंसान हूँ और मैंने तुम्हारे साथ बहुत कुछ गलत किया है, मैं जानता हूँ या मैं जानती हूँ, बट मैं फिर भी तुमसे प्यार करता हूँ, क्या करें, इस प्यार का आचार मनाएं, क्या करें, मतलब गलतियाँ करते रहेंगे और जो मनाएगा करेंगे और फिर बोलेंगे फिर भी मैं तुमसे प्यार करता हूँ, वाह रे वाह, हाय तेरा प्यार, वो सॉन्ग है ना तौबा तेरा जलवा तौबा तेरा प्यार, अरे बाप रे, आज दीदी फुल एनर्जी में है ना। सो ये थी आप लोगों की रीडिंग, अगर रीडिंग पसंद आई मस्त वाला लाइक जल्दी से चिपका दो एंड कमेंट बॉक्स में बताओ कि रीडिंग पसंद आई नहीं आई, अगर पसंद आई तो मस्त वाला वो क्लेम वाला मैसेज डाल दो कि आई क्लेम इट, एंड या तो बताओ कि कैसा फील हुआ, क्या क्या चीज़ थी, कितनी रिजोनेट हुई, एंड यस पर्सनल रीडिंग करवानी है नंबर मैंने वीडियो पे दे दिया है, व्हाट्सअप करें कॉल ना करें, पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं होती, ओके उसके चार्जेस लागू होते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपने सारे चैनल के लिंक्स डाल दिए हैं, इंस्टाग्राम की भी लिंक डाल दी है, आप जाकर मुझे वहाँ फॉलो सब्सक्राइब करें ताकि मैं कभी भी लाइव आऊँ तो आपको अपडेट मिल जाए, ठीक है। सो अभी के लिए इतना ही, अब आती हूँ पाइल नंबर 2 की तरफ। पाइल नंबर 2 देखते हैं आपके पर्सन क्यों आपके साथ ब्लॉक अनब्लॉक वाला गेम खेल रहे हैं और आपको अनब्लॉक कब करेंगे। यूनिवर्स मुझे बताएं, मेरे जो व्यूवर्स ये वीडियो देख रहे हैं जिन्होंने पाइल नंबर 2 पसंद किया है, उनके पार्टनर क्यों उन्हें ब्लॉक अनब्लॉक कर रहे हैं और आखिर कब उनको अनब्लॉक करेंगे। द सन, वाओ, फोर ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, द एम्प्रेस, किंग ऑफ वॉन्ड्स, ये ऑब्स्टेकल कार्ड मैंने साइड में रखा है, ओके, द हाई प्रीस्ट, 9 of cups, वाओ, 5 of wands, 5 of pentacles, द टावर एंड टेम्परेंस, ओके। तो काफ़ी हद तक मुझे दिखाई दे रहा है जिनसे आप डील कर रहे हैं ये लियो एरिस सजिटेरियस हो सकते हैं या कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, इनमें से कोई साइन आपकी या आपके पर्सन की हो सकती है। सो मुझे काफ़ी हद तक दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन हैं वो आपको अगर ब्लॉक अनब्लॉक कर रहे हैं तो उसका कारण इसलिए मुझे दिखाई दे रहा है क्योंकि वो आपको कुछ ऑफ़र करना चाहते हैं, फिर बार बार कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि मैं कैसे ऑफ़र करूँ, मुझे करना चाहिए नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं डर लग रहा है इस बात से कि आप शायद एक्सेप्ट नहीं करेंगे। किसी तरीके की चीज़ को लेकर सोच विचार भी चल रहा है, मुझे लग रहा है शायद इनके घर में इनकी या तो अभी रिसेंटली शादी हुई है या शादी वादी की बोलचाल चल रहे हैं, किसी तरीके का प्रेशर है जिसके कारण ये चाहकर भी आपको कुछ चीज़ें एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं। द सन का कार्ड क्लारिफाई करें, कोई सेलिब्रेशन दिखाई दे रहा है इनके घर में जहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि बिजी भी हैं और कह सकते हैं ये कोई काम का भी प्रेशर हो सकता है, और कई हद तक मुझे दिखाई दे रहा है कि कुछ चीज़ों को लेकर ये कन्फ्यूज़ हैं, आपको मिस बहुत कर रहे हैं बट कुछ चीज़ों के जवाब इनके पास नहीं है जिसके कारण ये आपसे दूरी बनाए हुए हैं, आपसे बात करना चाहते हैं पर चाह कर भी दूर रहते हुए दिखाई दे रहे हैं। सन का कार्ड क्लारिफाई करें, यस मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपसे बात ज़रूर करेंगे, ओके अगर आपको ये बात की चिंता है कि अरे नहीं बात करेंगे नहीं करेंगे तो बात तो ज़रूर करेंगे, और काफ़ी हद तक मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन
इस वक्त एट द मोमेंट काफ़ी चीज़ें रियलाइज़ कर रहे हैं आपके बिना नहीं रह पाएंगे, और आप कितने केयरिंग हो, कितने काइंड हो, और आप इनकी लाइफ में क्या रोल प्ले करते हो, ये सारी चीज़ों का रियलाइजिंग ऑलरेडी इनके अंदर आ चुका है। द एम्प्रेस का कार्ड क्लैरिफाई करें, ये आपको एकदम मदर या फादर मटेरियल टाइप देखते हैं। इनको लगता है कि आप इनके बच्चों की जब माँ या बाप बनोगे तो बहुत सुंदर लगोगे काफ़ी हद तक, या बहुत हैंडसम लगोगे, काफ़ी काइंड मानते हैं। इनको लगता है आप जितना इनको पहचानते हो शायद ही उतना कोई उनको पहचानता है, और काफ़ी आपको लेकर बहुत हैप्पी फील करते हैं, बहुत ज़्यादा। सातवें आसमान में होते हैं, आपसे बात करने को तरसते हुए तड़पते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। किंग ऑफ वॉन्स की एनर्जी, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है पर्सन आपको बहुत याद कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा। काफ़ी लोगों के लिए मुझे दिखाई दे रहा है या तो आपके पार्टनर जो हैं आपको बहुत मैनिफेस्ट कर रहे हैं, या आप उनको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि मुझे किसी तरीके का मैनिफेस्टेशन भी आप दोनों के कार्ड्स में दिखाई दे रहा है। यस, मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है वो अपने पास्ट में खुश नहीं है, जो भी चल रहा है पास्ट रिलेशनशिप से खुश नहीं है, या ये थर्ड पर्सन जो भी है जिसके साथ ये रह रहे हैं, या जो भी सर्कमटेंसेज है ये उसमें हैप्पी नहीं है, ये आपके साथ वापस ग्रो करना चाहते हैं, बट कई हद तक इनको नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे चीज़ें ठीक की जाए। हाई प्रिस्ट का कार्ड क्लैरिफाई करें, ये अपने इनर वॉइस को ज़्यादा सुन रहे हैं आजकल। मतलब ऐसा दिख रहा है कि जैसे अपने मन में बहुत सारे सवाल, बहुत सारी बेचैनी लेकर घूम रहे हैं, बहुत ज़्यादा बेचैन है। इन्होंने कुछ गलत किया है आपके साथ, मुझे ऐसा लग रहा है कुछ बहुत गलत किया है इन्होंने, आपको जाने अनजाने हर्ट किया है, ऊपर से अपनी गलती भी नहीं मानी, जिसके कारण इनको अब लग रहा है कि अब ये कैसे आएँ, क्योंकि इनको लग रहा है कि अब ये बात करेंगे तो शायद आप इनको रिस्पॉन्स अच्छे से नहीं देंगे, या काफ़ी हद तक इनको लग रहा है कि आप इनसे शायद रिवेंज लेंगे, बदला लेंगे, और ये बात से ये बहुत परेशान है। ये आपको बहुत ज़्यादा सोच भी रहे हैं, फाइव ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी को क्लारीफाई करें, बहुत ज़्यादा सोच भी रहे हैं ये आपको। ओके, लाइट चली गई है वंस अगेन, पर हम वीडियो कंटिन्यू करेंगे। ओके, सो काफ़ी हद तक मुझे लग रहा है ये पर्सन के अंदर बहुत ज़्यादा सोच विचार चल रहा है, ओवर थिंकिंग चल रही है, स्पेशली इन द नाइट मुझे दिखाई दे रहा है, बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं, और ये पर्सन बहुत चेंज हो रहे हैं मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, बहुत ज़्यादा बदलाव आ रहे हैं इनके अंदर, बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड क्लारीफाई करें, लक बदलने जैसा कुछ अचानक से होगा आप दोनों के बीच में, ये अनब्लॉक भी अचानक से करके एकदम से कम्युनिकेट करना शुरू करेंगे, ऐसा लगेगा जैसे कि अरे ये एकदम से ठीक कैसे हो गया। यस, मुझे ऐसा लग रहा है कि अप्रोच करेंगे ये आपके साथ अपना फ्यूचर देखते हैं, इनको पता है कि लाइफ में आगे ग्रो करना है तो आपका होना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके बिना आगे नहीं बढ़ पाएंगे, ये बहुत अच्छे से जानते हैं। फोर ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी को क्लारीफाई करें, आप दोनों के बीच का ऑब्स्टेकल चेक कर रही हूँ क्या है। ये आपसे प्यार करते हैं बट ये आपको भी प्यार दिखाना नहीं चाहते, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है यही एकमात्र ऑब्स्टेकल है, ये अपना प्यार एक्सप्रेस नहीं करना चाहते, ये आपसे दूरी बनाए हुए हैं कि मैं अगर प्यार एक्सप्रेस करूँगा तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, ये शायद अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा अटक जाएंगे, स्टक हो जाएंगे मेरे कारण, या काफ़ी हद तक इनको लगता है कि बहुत सारी चीज़ें आप इनसे फिर एक्सपेक्ट करने लगेंगे। ये आपसे बहुत, मतलब बहुत वाला प्यार करते हैं, लड़का लड़की कोई भी हो सकते हैं, जेंडर्स पे नहीं, आपका ध्यान एनर्जीज पे होना चाहिए। फाइव ऑफ वॉन्स की एनर्जी, मुझे ऐसा लग रहा है ये आपके लिए ना बहुत लोगों से लड़ते भी हैं, ये आपको लेकर बहुत प्रोटेक्टिव हैं बट आपको दिखाना नहीं चाहते, अपने घर में शायद किसी से लड़ रहे हैं या किसी इंसान से लड़ रहे हैं आपके लिए, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, किसी को क्लारिफिकेशन दे रहे हैं या किसी ऐसे सिचुएशन में हैं जहाँ पर इनको बहुत ज़्यादा मनमुटाव का सामना करना पड़ रहा है। यस, मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा अनहैप्पी हैं, आपको बहुत मिस कर रहे हैं, आपसे दूरी जानबूझकर बनाई है, ये आपको आपसे दूर होना नहीं चाहते पर जानबूझ के मेरे को ऐसा दिखाई दे रहा है कि दूर हो गए हैं। नाइन ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लारीफाई करो, पेज ऑफ वॉन्स, ये आपके साथ न्यू बिगनिंग चाहते हैं, इनकी बहुत ज़्यादा दिली तमन्ना है कि आपके साथ दोबारा एक फ्रेश स्टार्ट हो सके, ये लाइफ में आगे ग्रो करना चाहते हैं आपके साथ, बट काफ़ी हद तक इनको अपनी गलतियों का बहुत ज़्यादा वो हो चुका है, मतलब बोलते हैं ना पश्चाताप, जहाँ पे इनको लग रहा है कि ये सब बिगाड़ने के बाद, इतना सब करने के बाद मेरे को कैसे अप्रोच करना चाहिए, अपने आप से बहुत सारे सवाल जवाब कर रहे हैं, ये आपको स्टॉक कर रहे हैं, डेफिनेटली स्टॉक कर रहे हैं, ये आपको अलग अलग आईडी बनाकर, अकाउंट बनाकर स्टॉक करते हुए दिख रहे हैं। फाइव ऑफ पेंटिकल का कार्ड क्लारीफाई करें, रनिंग एंड चेजिंग के गेम में मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है कि अब ये आपके पीछे दौड़ रहे हैं, आपकी चिंता करते हैं, अचानक से बहुत केयर करने लगे हैं, और आपके बिना ये नहीं आगे ग्रो कर पाएंगे, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, अप्रोच करना चाहते हैं बहुत दिल से, मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है। यस, ये अपने अंदर स्ट्रेंथ इकट्ठी कर रहे हैं, हिम्मत इकट्ठी कर रहे हैं कि कैसे आपको अप्रोच करें, इसके लिए हिम्मत अपने अंदर इकट्ठी कर रहे हैं और उसके बाद आपसे बात करेंगे, इसलिए एक अजीब सी उलझन होने के कारण ब्लॉक अनब्लॉक कर रहे होंगे, कि एक मन होता है कि बात करें, फिर उनको डर लग रहा है कि बात करूंगा तो, या बात करूंगी तो प्रॉब्लम्स होंगी और पुरानी बातें निकलेंगी, जिससे इनको बहुत ज़्यादा टेंशन हो रहा है, क्योंकि आप दोनों का सेपरेशन शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसे नोट पे हुआ है जिससे थोड़ा आप दोनों के बीच में
मनमुटाव पैदा हुआ, डिस्टेंस क्रिएट हो गया, जो कहीं ना कहीं इनको याद आता है तो इनको टेंशन आता है कि यार कैसे वो सब चीज़ें बताऊं, मतलब वो सब चीज़ों के बारे में फिर बात निकलेगी और कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में ऑकवर्डनेस शुरू हो जाएगी। द टावर का कार्ड क्लैरिफाई करें, इस रिश्ते को वो बहुत दिल से चाहते हैं और इसमें फ्रेश स्टार्ट तो इनके मन की बहुत ज़्यादा इच्छा है, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। ये आगे ग्रो करना चाहते हैं आपके साथ और कोई एक रिश्ता तोड़ने के बारे में भी सोच रहे हैं, कोई पुराना रिश्ता तोड़ के आने के बारे में सोच रहे हैं। यस, ये आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। इनको लगता है आप इनकी लाइफ की किस्मत है, ये आपके बिना आगे नहीं ग्रो कर पाएंगे। आप काफ़ी हद तक इनके लिए लकी भी रहे हो, जब जब आप इनके लाइफ में रहे हो इनको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिला है, स्ट्रेंथ मिली है। हालांकि इनको लगता है कि इन्होंने उस टाइम पे आपकी कदर नहीं की जिस टाइम उनको करनी चाहिए थी, इन्होंने आपको डिसरिस्पेक्ट किया है और इस चीज़ से ये बहुत ज़्यादा, मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा रिग्रेट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग, स्ट्रेस, हेल्थ इश्यूज़ भी चल रहे हैं इनके, हेल्थ की भी प्रॉब्लम है। टेम्परेंस का कार्ड क्लैरिफाई करें। रियलाइजेशन आ चुका है इनके अंदर, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि काफ़ी रियलाइज़ कर चुके हैं कि आपके लिए मतलब कितनी इंपॉर्टेंट है उनकी लाइफ, आपके बिना आगे बढ़ना कितना मुश्किल है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। और आपसे ही प्यार करते हैं, ये चीज़ों का उनको रियलाइजेशन आ चुका है। बट इनके अंदर हिम्मत इकट्ठी कर रहे हैं, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, हिम्मत इकट्ठी करके खुद को स्ट्रांग करके ही आपके आपको अप्रोच करेंगे। तब तक एक संकोच में है कि कैसे बात करूँ। यस, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है स्टेबिलिटी लाने की कोशिश कर रहे हैं, इस रिश्ते में स्टेबिलिटी कहीं ना कहीं इनकी तरफ से खोई हुई है, जिसके कारण ये अब एफर्ट डालना चाहते हैं कि दोबारा आप दोनों के रिश्ते में बेहतर बैलेंस आ जाए। यूनिवर्स मुझे ओवरऑल बताएं ये कब इनको अनब्लॉक करेंगे। एट द मोमेंट तो बहुत अपसेट है, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, और काफ़ी हद तक अनब्लॉक करने की एनर्जीज में देखूँ तो मुझे काफ़ी हद तक दिखाई दे रहा है अनब्लॉक करने के लिए ये आपको विद इन 9 वीक्स या 9 डेज़ के अंदर करेंगे, 9 वीक्स या 9 डेज़ के अंदर, ठीक है। कुछ लोगों के लिए 9 मिनट्स भी हो सकते हैं क्योंकि बहुत अचानक से करेंगे, ये आपसे बात करना चाहते हैं काफ़ी स्ट्रांगली, मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है। सो अपने जो काम धाम है उसमें खुद को बिजी रखो, ऐसा नहीं होना चाहिए कि नज़र पूरी फ़ोन पर टिका कर बैठ गए, बट काफ़ी स्ट्रांगली मुझे दिखाई दे रहा है कि बहुत जल्दी आपको अनब्लॉक करेंगे और आपसे बात करते हुए दिख रहे हैं, आपको कम्युनिकेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें आपको अपने दिल की बताएंगे, बहुत सारी बातें बताएंगे, इनके पास बहुत कुछ है आपको बोलने के लिए। अभी फ़िलहाल संकोच में हैं तो ठीक है, उनको उनका टाइम लेने दो, आप पोक मत करो, ठीक है, कि अरे ये हो गया या तुम क्यों संकोच कर रहे हो, नहीं, उनको उनका टाइम लेने दो और उसके बाद वो आपसे बात करेंगे। अब साईं बाबा के डेक से आपके लिए मैसेज देख लेते हैं, पाइल नंबर 2 वालों के लिए एडवाइस दे मुझे साईं बाबा। टालना, अपने दुख दर्द की चर्चा कम कीजिए या ना ही करें, उन्हें अपने चेतना में स्थान ना दे, तो यानी कि अपने तकलीफ़ों की और अपने दुख की, अपने दर्दों की, जो तकलीफ़ों की जो बोलते हैं प्रॉब्लम्स हुई आप दोनों के बीच में, उसकी चर्चा थोड़ी कम करो, किसी से भी बात मत करो उसके बारे में, क्योंकि जाने अनजाने आप उसको अपने मन में स्थान दे रहे हो, एक जगह दे रहे हो, ठीक है। और वो क्या कर रहा है, वो आपके मन में बैठे बैठे एक डर का विषय बन जा रहा है, यानी कि वो आपके ऊपर हावी होने लगता है, फिर आपको एंजाइटी स्ट्रेस होने लगता है, इसलिए दुख की बात मत करो, जो बीत गया सो बीत गया, अब आने वाले कल पर फोकस करो, ओके। उदी की ताकत, साई बाबा के मंदिर में और बहुत सारे मंदिरों में उदी मिलती है, तो इसे अपने मस्तक पर लगाएं, ठीक है, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ताकि आपके अंदर एक जो एंजाइटी या इम्पेशेंस आ जाता है कि ठहराव नहीं आ रहा है, तो वो ठहराव आ सकते हैं। ठहराव लाने के लिए आप चाहे तो ब्रेसलेट भी बाय कर सकते हैं, उससे भी आपके लिए लाइफ में बहुत मिरेकल्स आ जाएंगे, एक अजीब सी शांति आपको महसूस होगी, ठीक है। बहुत सारी चीज़ों के लिए होना चाहिए, बट इट्स योर चॉइस, ठीक है, उदी आपको कहीं भी मिल जाएगी। अब आपके पर्सन की तरफ से कुछ मैसेजेस देख लेते हैं। तो सबसे पहला मैसेज, ऑब्स्टेकल विल गेट रिमूव्ड, तो आप लोगों के रास्ते जो है, रास्तों पे जो कांटे बिछे हुए हैं वो ईश्वर जल्द से जल्द साफ करेंगे, मतलब मेहनत वो करेंगे, थोड़े एफर्ट आपको भी डालने, आपको सब्र रखना है। फॉरगिव मी, तो ये आपसे माफी मांगना चाहते हैं, इनको लगता है कि इनसे बहुत बड़ी गलती हुई और ये बहुत ज्यादा दिल से पश्चाताप करना चाहते हैं। क्या किया था ऐसा इन्होंने आपके साथ। मेंटेन साइलेंट एंड पीस बिटवीन यू, तो हो सकता है आप फटाक से ये सब देख के रीडिंग और अचानक से उनको मैसेज करना शुरू कर दें, बात करने के लिए ज़्यादा तरस उठे या तड़प उठे, तो ये कहीं ना कहीं यूनिवर्स का मैसेज है कि शांति बनाए रखो, पेशेंस रखो, चीज़ें ठीक होंगी अपने टाइम अकॉर्डिंग, ठीक है, जब राइट टाइम होगा खुद चीज़ें ठीक होंगी, ओके। उन्हें बात करने के लिए टाइम दो, खुद ही बात करेंगे। फिर फेक आईडी और फेक स्माइल, मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, ये फेक आईडी या फेक स्माइल जो है प्रिटेंड कर रहे हैं, फेक आईडी बना बना कर या तो आपको मैसेज करने की कोशिश या आपको देखने की कोशिश कर रहे हैं, और फेक स्माइल यानी कि मुँह पे एक झूठी हंसी लेकर घूम रहे हैं और लोगों को दिखा रहे हैं मैं हैप्पी हूँ, ठीक है।
बेबी, तो बेबी के रिलेटेड कुछ हो सकता है, या आपके बाबू सोना, बेबी जानू ये आ सकते हैं, इसीलिए हो सकता है ये बेबी का मैसेज आया। तो बेबी का कुछ ना कुछ कंसर्न ज़रूर है, कुछ तो गड़बड़ है तया। सेकेंड लास्ट मैसेज, बी ग्रेटफुल फॉर वॉट यू हैव, जो भी आपके पास है उसके लिए कभी भी शुक्र गुजार रहा करो, हमेशा कंप्लेंट मत करो, भगवान को बोला करो कि थैंक यू मेरे को इतनी अच्छी ज़िंदगी दी, मेरी हेल्थ ठीक रखी, या मेरे को इतने अच्छे परिवार वाले दिए। अच्छा, हमेशा पॉजिटिव नोट में रहा करो, ओके। ग्रेटफुल मॉर्निंग में उठते ही सबसे पहले हाथ जोड़कर थैंक यू बोला करो भगवान को कि थैंक यू मुझे इतनी अच्छी ज़िंदगी दी है, या क्या। कंप्लेंट करते रहोगे तो फिर अच्छा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, अगर रोते ही रहोगे कि अरे मेरे साथ ऐसा क्यों, तो फिर हो गया, फिर तो हो गया कल्याण, ठीक है। लास्ट मैसेज, डाइवर्ट योर माइंड, खुद को बिजी रखो, इम्पेशेंट मत हो जाना। मैंने कहा ना कि एकदम से मैसेज वैसेज करने के लिए बार बार फोन चेक करना मत, अपने आप को बिजी रखो, जितना बिजी रखो उतना अच्छा, ठीक है। सो अभी के लिए इतना ही, अगर आप लोगों को रीडिंग पसंद आई तो मस्त वाला लाइक जल्दी से चिपकाओ, कमेंट बॉक्स में बताओ कि रिजोनेट हुई नहीं हुई, और अगर आपको बहुत पसंद आई रीडिंग तो आई क्लेम इट ज़रूर लिखो। एंड साथ ही साथ अगर आप लोगों को मेरे दूसरे चैनल की लिंक्स भी मैंने डाल दी हैं, आप चाहें तो वहाँ पर भी फॉलो सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर मैं कभी भी लाइव आ जाती हूँ, कहीं मिस ना हो जाए, अपडेट मिलते रहे, इसलिए ज़रूरी है। एंड साथ ही साथ पर्सनल रीडिंग करवानी है तो उसके चार्जेस लागू होते हैं, पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं होती, उसके लिए व्हाट्सअप का नंबर दिया है, व्हाट्सअप करें, कॉल ना करें, ठीक है। सो अभी के लिए इतना ही, चलती हूँ, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, ओम साई राम।